एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग दर्शन शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्कशॉप कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग दर्शन शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग की ओर ले जाएंगे और आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताएंगे। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू केम, फ्रॉम वेयर यू आर टू गो, व्हाट इज द नेचर, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नेचर, सब चीजें आपको बताएंगे। सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, आप कौन हो, आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है, क्या लेना है, इन सब बातों का स्पष्टीकरण हम आत्मविज्ञान में करते हैं और इसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों एपिसोड्स के माध्यम से प्रतिदिन आपका ब्रेन वॉश करके आपको बताएंगे कि आप एक अच्छी इंसान बनो और आपका ये भाव भी सुधर जाए और अगला भाव भी सुधर जाए, ऐसी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो इसी क्रम के अंदर आज हम बहुत सुंदर विषय इससे जुड़ा हुआ ले रहे हैं, वो विषय है चार गति। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि हमारा जो ये जीव है, हमारी जो आत्मा है, ये चार गति में भटकता रहता है। चार गति 84 लाख जीवा योनि ये पूरा बना। चार गति कौन सी होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति।
और 84 लाख जीवा योनि इन चारों में उत्पत्ति स्थान है, जहां पर दैट इज द ओरिजिन ऑफ द टेकिंग बर्थ। वो मैं आत्मा की संख्या नहीं बता रहा हूं, मैं जीवों प्राणियों की संख्या नहीं बता रहा हूं, वो तो इन्फिनिटी है। ईश्वर को भी मालूम नहीं कि सृष्टि के अंदर कुल कितने प्राणी हैं, पर चार गति मालूम है, 84 लाख जीवा योनि है, ये हमारे भारत के हर धार्मिक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ हम मानते हैं चार गति। अब ये नरक गति कैसे मिलती है, ये गतियां कैसे मिलती है, इस जीवन के अंदर हम किस तरीके के कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा अगला गति का बंध होता है, और ये शरीर हम कितने वर्ष तक भोगेंगे, ये आयुष्य कर्म हम साथ में लेके आए निश्चित समय पर निश्चित टाइम के, एक सेकंड क्या पलक जपे जितना भी, वो आगे पीछे आयुष्य नहीं होगा, और इस आत्मा को उस पर्टिकुलर समय के अंदर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और इस शरीर को जला दिया जाएगा और आत्मा जो दूसरे शरीर के अंदर जन्म ले लेगी। अब नरक गति कहां पर है, ये चारों गतियां हमारी सृष्टि के अंदर है, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर है। नरक गति के जो जीव होते हैं वो हमारे पृथ्वी के भीतर अंडरग्राउंड जो है पाताल लोक है, पाताल लोक मान लीजिए, उस पाताल लोक के अंदर नरक गति है। ये 7 तरह की नारकी होती है, पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी, चौथी, और ये सारे अलग अलग जो कुकर्म किए होते हैं उनके लिए अलग अलग, पहली गति वाले, पहली नरक वाले, कम कुकर्म वाले, पर है सारे कुकर्मी, और सातवीं नरक वाले तो अत्यंत भयंकर कुकर्मी होते हैं, भयंकर कुकर्मी। और सातवीं पहली नारकी के अंदर कम ठंड होती है, वहां प्रकाश भी है, दूसरी तीसरी तक जो प्रकाश भी, और तीसरी नारकी तक हमारे मित्र जो कोई भी देवगण होते हैं, वो जीव के मित्रगण आते हैं, वो उनके साथ के अंदर उनके, क्योंकि ये सारा कुकर्म किए होते हैं और कुकर्म ही भोगना होता है, तो ऐसे देव भी होते हैं जो आपस में भैंसों की तरह लड़ाते हैं, एक दूसरे का रक्त चूसता है, दूसरे को काटता, 24 घंटे हम कहते हैं ये नारकी का जीवन है। नारकी का जीवन में क्या होती है, कलह होती है, एक दूसरे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, प्रेम का नाम तक नहीं होता है, तो सातों ही नारकी में कलह चलती है। ज्यों ज्यों नारकी की संख्या एक से दूसरे से बढ़ती, इंटेंसिटी ऑफ द कलह, इंटेंसिटी ऑफ द झगड़ा वो बढ़ता जाता है, और इन सातों नारकियों में धीरे धीरे जो नीची नारकी है, सातवीं नारकी पकड़ू तो इसमें रत्न, शर्करा, बालू का पंग, धूप, तमो, तम, अधो, विस्तृता, 7 अलग अलग नाम है, तो सातवीं नारकी के अंदर तो बिल्कुल प्रकाश नहीं होता, अंधेरा ही अंधेरा होता है, और सर्दी इतनी पड़ती है कि आदमी सहन नहीं करते, -50 डिग्री, और नारकियों के अंदर गर्मी इतनी पड़ती है कि -100 प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी उबलता जैसा इतनी गर्मी पड़ती है, यानी सब दुख ही दुख है। नारकी का अर्थ होता है दुख। अब व्यक्ति नरक गति में कैसे जाता है, वो कौन से कर्म करता है, मान लीजिए हम अभी मनुष्य है तो मनुष्य ही नारकी के अंदर जाता है, दूसरे प्राणी तो बेचारे सामान्य है, दूसरे जैसे पेड़ है, पौधे है, ये पशु है, पक्षी है, एकेंद्रीय, द्विएंद्रीय, त्रिएंद्रीय, चतुरेंद्रीय है, ये बेचारे तो क्या कहें, नॉर्मल है। कोई भी जो जैसे डाकू होता है, डाकू एक तो बड़ा डाकू होता है जो करोड़ों अरबों के डाके डालता है, और एक बेचारा पॉकेट मार होता है, छोटी छोटी डकैती करता है, और वो किसी के छोटे रुपये लेता है, छोटी छोटी चोरियां करता है, बड़ी चोरी करने वाला है, बड़ा डाकू होता है, उसी तरह सातवीं नारकी वाला बड़ा बोरो, और ये मनुष्य करता है। नारकी के अंदर केवल मनुष्य जीव जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे स्वर्ग में जाता है, और बहुत ज्यादा अपने अस्तित्व की जानकारी करे, सज्जन बन जाता है, साधु बन जाता है, तो वो अभी तो हमारा यहाँ पर भरत क्षेत्र है, उस भरत पृथ्वी के ऊपर तो जो है अभी मोक्ष बंद है, लेकिन फिर भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर मोक्ष जो है 24 आवर्स हर समय जो है खुला हुआ है।
खुला रहता है या पर्टिकुलर समय बंद हो जाता है, पर्टिकुलरली अलग है, आर्य का है, वो हम उस गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा जीव है जो मुक्त होना जाता है, महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी तीर्थंकर विराजमान है, उनके चरणों में जाकर के और वापस वहाँ सब मनुष्य मनुष्य जन्म देते हैं और आराधना करके और वो मुक्ति की ओर जाता, वह मुक्ति खुली है। तो मैं बात बता रहा था नर्क जीवन की। नर्क पृथ्वी के भीतर है, पाताल लोक में सात नारकी है, नारकियों का जीवन बहुत दुरू है और इसमें जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं सभी नारकीय का जो शरीर होता है मोम की तरह होता है, कपूर की तरह होता है, वक्रीय शरीर कहलाता है। वो विस्फोट हो गया, खत्म हो गया, वो जलता नहीं है और तुरंत पैदा हो गया माँ के पेट के अंदर। उसको उल्टा 9 महीने नहीं लटकना है जैसा औदारिक शरीर हमारा होता है या चतुर इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय सब जीवों का जो है वो कीड़े मकोड़े जितने भी जीव होते हैं वो हमारे सब तृष जो जैसे नरक गति तिर्यंच गति दोनों का जो नहीं नरक गति और देव गति के जीव है उनका जो वक्रीय शरीर होता है तुरंत बड़ा हो जाता है और बिना माँ बाप के जन्म ले लेते हैं और जन्म लेते ही 16 साल के हो जाते हैं। उनका शरीर कपूर की तरह तुरंत बन जाता है। उसके अंदर जिस तरीके हमारे के अंदर जो है मांस होता है मद्दा होता है और हमारे ब्लड होता है वो नहीं होता, उनके प्योरली वक्री शरीर कपूर जैसा होता है। फट जन्मा और फट उड़ा, उड़ते खत्म, कोई जला जलता नहीं है, जला नहीं पर तुरंत खत्म हो जाता है, विस्फोट होते ही खत्म वो। तो इस तरीके से ये दो गति हो गई। तो हम नरक की बात करें, नरक में कौन जाता है? देखिए जो पंचेंद्रिय की वध करता है, 5 इंद्रिय वाले भैंसे है, मुर्गे हैं, तो बकरा है, या 5 इंद्रिय जिनके विकसित इंद्रियां हैं, विकसित बुद्धि हो जाती मनुष्य है, इन सब की हिंसा करने वाला, इनको मारने वाला, ये स्लॉटर हाउस वादे, ये कसाई जीव है, ये गोली से मारने वाले, ये आतंकवादी है, ये जो पंचेंद्रिय जीवों की वध करने वाला, बहुत उच्च स्तर की हिंसा करने वाला जो है वो नारकी में जाता है। सामान्य व्यक्ति छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का मार भी दिया, उसकी प्रतिपीर प्रायश्चित भी कर लिया, ये सामान्य करने वाले नरक में नहीं जाते हैं, ये बहुत बड़ा जो हिंसा करने वाला होता है। पंचेंद्रिय तक की मां एक झटके के अंदर बकरे को मार दिया, एक झटके के अंदर जो है उसने जो है वो मुर्गे को मार दिया। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, ये मांसाहारी होते हैं, मांस खाते ही कहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम तो किसी व्यक्ति की बात नहीं करते, किसी धर्म की बात नहीं करते, किसी एक्टिविटी बात नहीं करते, हम तो सच्चाई को बताते हैं और सच्चाई जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, आप ग्रंथ से सब देख सकते हो, ग्रंथों से हम बात करते हैं, प्रामाणिक बात करते हैं। पंचेंद्रिय वध करने वाला है वो नारकी के अंदर जाता है, स्लॉटर हाउस चलाने वाले वगैरह ये सब नारकीय जीव होते हैं और बहुत बड़ा पाप करने वाला, जैसे कि गांव का जहाँ गांव जला दिया, हजारों लोगों की निंदा कर दी, हजारों लोगों की हिंसा कर दी, उसके बाद के अंदर गोली चला दी और एक गोली के अंदर सैकड़ों आदमी मर गए, ये सब बड़ी बड़ी हिंसा करने वाले नारकीय जीव होते हैं। और वो जब उस पर्टिकुलर समय में नारकी का आयुष्य बनता है तो नारकी में जाता है और नारकी का बड़ा भोग लंबा होता है, कम से कम 10,000 वर्ष होता है और असंख्य तो 33 करोड़ सागरोपम जितना उसका बहुत बड़ा लंबा होता है, 10,000 वर्ष मिनिमम जीता है वो। इस तरह से ये नरक गति है। दूसरा तिर्यंच गति के अंदर पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सारा जो हमारे सामने संसार जो जितना पर्यावरण दिखाई देता है, जितना सृष्टि दिखाई देती है, ये सब तिर्यंच गति है। ये तिर्यंच गति कब मिलती है? झूठा माप तोल, झूठ कपट, धोखा दड़ी, किसी को कहा कुछ करा कुछ, देना 100 किलो तोल के लिए, 90 किलो कपड़ा देना है आपका जो 50 मीटर दे दिया, 40 मीटर बताया कि इसका इतना अर्ज है और इतनी लंबाई है, मतलब कूट माप तोल झूठ कपट जितना भी है ये जो माया है, ये माया करने वाला तिर्यंच गति के अंदर जाता है। तिर्यंच गति में जो आपको बताया कि एक इंद्रिय द्वेंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय पशु पक्षी वगैरह मनुष्य को छोड़ के सारा जो है ये तिर्यंच गति है। मनुष्य की गति अलग होती है,
नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तिर्यंज गति में सारी सृष्टि आती है, मनुष्य की गति अलग है, देवता की अलग है और नारकी की अलग है। तिर्यंज गति का कोश है वो बहुत बड़ा है और ये इस गति के अंदर अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए आता है। पेड़ बनता है, पौधा बनता है, उसको सर्दी का, गर्मी का, और जो पशु है, पक्षी है, इनको सर्दी गर्मी बहुत सहन करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कूट माप तोल किया, इस कारण से उसको गति मिलती है और उस गति में पैदा होकर अपना भोग करते हैं। इनका आयुष्य बहुत कम भी होता है, अधिक भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ कुछ तो ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं कि एक मिनट में कई बार जन्म ले लेते हैं, और पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा मतलब उम्र नहीं होती, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। मनुष्य जैसे 100 साल जी सकता है, पेड़ होता है कोई हो सकता है 100-200 साल, बरगद का पेड़ है जी सब सामान्य, जो जैसे कि गाय की बहुत जो है उम्र कम होती है, भैंस की उम्र कम होती है, वाइल्ड एनिमल्स की उम्र कम होती है, थोड़े साल में 10-20-25-50 साल के अंदर चले जाते हैं, और इस तरीके से इसकी आयुष्य लंबा नहीं होता है। आयुष्य लंबा होता है नरक गति का और जो है वो देव गति का आयुष्य होता है। मनुष्य का भी 100-125 साल ही होता है और उतना ही तिर्यंज गति का तो और भी कम होता है, क्योंकि इसमें असंख्य जीव होते हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक है। ये खाता बहुत लंबा है, खाता बहुत बड़ा है, झूठा माप तोल करने से जाते हैं। और तीसरी होती है नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति। मनुष्य गति सबसे अच्छी गति के लिए मिल जाती है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य ही मुक्ति जा सकता है। ये गति सबसे अच्छी क्यों जा सकती है कि इन सब चक्कर को, 84 का चक्कर है ना, इस चक्कर को काटने वाला सिर्फ केवल एक मनुष्य है। क्यों? कि मनुष्य गति के अंदर उसको जो है संपूर्ण 5 इंद्रियां मिलती है और उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और मन अच्छा होता है और उसका चित्त अच्छा होता है, उसकी प्रज्ञा अच्छी होती है, उसकी आत्मा समृद्ध होती है। मनुष्य जो है इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्राणी है, वो चिंतामणि है, वो पारस रत्न है, वो कामधेनु है, तभी वो मुक्ति जा सकता है। सबसे अच्छी मनुष्य गति बताई गई और 4 बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ बताई गई है कि मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। हमारी जो ये वैदिक परंपरा है कितनी स्ट्रिक्ट है, 9 भाव तक सुकृत करते रहोगे तब वो 8 भाव तक सुरक्षित करते हो, तो 9वें भाव के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है। कोई गड़बड़ हो गई, चूक हो गई, तो फिर 99वें भाव के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है, और वो भी आपने सुकृत नहीं किए ढंग से, अगर नहीं किया तो 999वें भाव के बाद में मनुष्य मिलता है, क्योंकि मुक्ति जाने वाला मनुष्य ही होता है, अच्छे कार्य करने वाला मनुष्य ही होता है। तो इसीलिए इतना बड़ा ये भाव दुर्लभ है, 4 बातें दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन के बाद के अंदर ईश्वर की भक्ति करने का चांस मिलना, ईश्वर के दर्शन होना, ईश्वर की बात सुनाने वाला, मंदिर जाने का ऐसा चांस मिलना, ये हरेक को नहीं मिलता। मनुष्य बहुत से है पर ईश्वर प्राणिधान का चांस बहुत कम लोगों को मिलता है। और तीसरा ईश्वर में श्रद्धा होना, स्वयं में श्रद्धा होना, अपने स्वरूप की श्रद्धा होना, धर्म में श्रद्धा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और चौथी है उसको आत्मसात करना। अब आपने ये तो जान लिया कि मैं जो है वो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का जान तो लिया लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया, उसको अपने मज्जा तक नहीं गया जब फैलाया उसको, तो वो आत्मसात नहीं होने से उसको अनुभव में नहीं लाए। चीज अनुभव में आनी चाहिए क्योंकि केवल ज्ञान अनुभव से होता है, और जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान मिल जाता है, ज्ञानी मिल जाते हैं उसको, उसको जो महात्मा बना देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, तो ज्ञान देते समय में 100% प्रतीति पैदा कर देते हैं ज्ञान वाले व्यक्ति को कि नहीं तुम तो वास्तव के अंदर एक आत्मस्वरूप हो। ये प्रतीति बैठ जाती है, ये भीतर जो है वो एक बात पक्की बैठ जाती है, कोई संशय समाप्त हो जाता है कि तुम आत्मस्वरूप हो, क्योंकि अहंकार विलय हो जाता है, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, वो अकर्ता हो जाता है, अहंकार विलय हो जाता है, नरक नए कर्मों का बंधन ही होता है। प्रतीति बैठ जाती है
ये तुम तो आत्मज्ञानी हो, आत्मा हो, और उसके साथ साथ में ज्ञान के साथ साथ में 15% ये मनुष्य होने की बात कर रहा हूं, 15% जो है उनको जो जागृति पैदा कर देते हैं कि जो है अब तुम हर वक्त जागृति हमने बीच बो दिया है, अब जागृति आप बढ़ाते रहो, हर वक्त चिंतन करो, 24 घंटे भेद विज्ञान करो, शरीर अलग आत्मा अलग, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर के अंदर बैठा हूं पर फिर भी अलग हूं, शरीर तो मेरा पड़ोसी है, ये करने वाला है और ये भोगने वाला है, और मैं अलग हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, क्या देख रहा हूं मैं तो इसको दे रहा हूं। भगवान महावीर की 1.5 वर्ष की तो अपने पुत्र को 1.5 वर्ष 12 वर्ष की तपस्या में उन्होंने सिर्फ अपने पुद्गल को देखा, अपने शरीर के एक ही परमाणु को देखा, ये क्या कर रहा है, देखते रहे, कर्म शरीर को देखते रहे, कर्म शरीर को ढूंढते रहे, जब उसको देखते रहे तो कर्म शरीर में निर्जरा होती गई, देखना संवर है। भगवान महावीर की 1.5 वर्ष की साधना संवर की साधना थी, इसलिए निर्जरा उसके साथ में जुड़ी रही और 12.5 वर्ष की अवस्था के अंदर सारे कर्म के परमाणु को धोया, सारी अशुद्धि को साफ किया, सारे कषाय राग द्वेष को साफ किया, और साफ करके वो जो केवल ज्ञानी बन गए और फिर सिद्ध मुक्त हो गए, तीर्थंकर बन गए। तो ये मनुष्य जीवन में होता है, ये सारी बातें मनुष्य जीवन में होता है। तो मनुष्य अगर सदुपयोग करे तो अच्छी गति को जा, दुरुपयोग कर सकता तो नरक में ही जा सकता है। मनुष्य चारों गतियों में जा सकता है, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, तीनों गतियों में मनुष्य जो है हरेक में जाता है, और बाकी पेड़ पौधे बेचारे उसी के जन्म वही के वही जन्मते हैं, क्योंकि बुद्धि है उनकी डेवलप्ड नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, ज्यादा सोच ही नहीं है, वहीं पे पेड़ है तो वहीं पर खड़ा है, सर्दी पड़ गई तो उसने सहन कर लिया, गर्मी हो गई तो सहन कर दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी उसने लेके भोजन बनाया और भोजन लिया, अपन को छाया दे दी, समय पर फल दे दिया, बस इतना ही काम कर सकता है, क्योंकि वो एक इंद्रिय है, हम पंचेंद्रिय है, उत्कृष्ट बुद्धि है हमारे पास में, और जिसको ज्ञान मिल गया फिर तो कहना ही क्या, मोक्ष की नींव लग गई, वो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, और अच्छे कार्य करके मुक्ति नहीं जाता है, हर अच्छा कार्य करने वाला इंसान इतना पुण्य जब संचय कर लेता है तो देवलोक हाजिर है, और पाप बहुत ज्यादा पंचेंद्रिय वध करके पाप इकट्ठे करता है, नारकी एक्सट्रीम नारकी और एक्सट्रीम जो हमारा देवलोक और सुपर एक्सट्रीम है वह हमारा मुक्ति है, वो मनुष्य जा सकता है, और तिर्यंच गति में कूट कपट करता है तो तिर्यंच गति में जाता है। ये मनुष्य जीवन बहुत उपयोगी है, वो सब जगह 84 लाख जीवायोनि में भटकता है, 4 गति में भटकता है। तो मैंने नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति सबकी बातें करी, और मनुष्य गति कब होती है, सरलता, किसी को दुख न देने की प्रवृत्ति, सबका भला सोचने की प्रवृत्ति, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना, धर्म ध्यान करना, ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है, औरों को भी प्रसन्न रखता है, अपना परिवार का दायित्व अच्छा करता है, धोखाधड़ी नहीं करता, सरल रहता है, हो गई भूल तो प्रायश्चित करता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। टू हेयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन जो गलती का एहसास कर लेता है, दूसरी बार गलती नहीं करता वो मानव है, हर बार गलती करता रहे वो दानव है, और गलती करे ही नहीं ऐसा इंसान भगवान है, वो देव गति में जाता है, और हर बार बड़ी बड़ी भारी गलतियां करने वाला नर गति में जाता है। तो सारा कानून कुदरत का हमारे सामने है, हम जो कुछ भी मनुष्य जीवन में कर रहे हैं ये लेकर के आए हैं, ये कर्म हम साथ में लेके आए हैं, तभी नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति में भटक। भाइयों मैंने खोल खोल करके आपको बताया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका, कि आप हमारा ये साइंस ऑफ द सोल, ये हमारा आत्म विज्ञान आप सुन रहे हो, आप इसको समझ रहे हो, तो आप इसको समझते रहिए, देखते रहिए, आपके कर्मों की निर्जरा होगी, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, और जितना आपका मनुष्य जीवन चला गया शेष जीवन को धन्य कर सकते हो, शॉर्ट पीरियड में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। इसीलिए आपको आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, द साइंस ऑफ द सोल आपको दिया गया है।
तो इसी क्रम में ये सुनते रहिए और आपने अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग दर्शन शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्कशॉप कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग दर्शन शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार आज का शुभ संदेश आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स ट्विटर ब्लॉगर फेसबुक यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक ब्लॉगर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।